रोशनी देवी जी, स्वागत है आपका। सर भाई साहब, स्वागत है हाँ रोशनी जी। भाई साहब, मैं ये पूछ रही थी, जो आप 6 चीजों की पक्की बनाते हैं, क्या उसके अंदर मैं वो पीपली भी डाल सकती हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि एक बैड है इसारे, उसके जो है पहले तो उसकी इंतरे सांसें फूलती हैं, फिर उसको चक्कर आते हैं, तो उसको चक्कर आने के बाद फिर उसके मतलब सारे शरीर में दर्द हो जाता है। तो मैंने वहां कंपनी में बात की थी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको पी केयर कैप्सूल दो। तो मैंने फिर सोचा मैं भाई साहब से बात करूंगी तो फिर मैं सलाह ले आऊंगी। तो फिर मैं क्या करूं, आप बताओ। जी ठीक है। और देखिए, ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं उनका, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और पूरी कैफियत लें। पी केयर तो देना शुरू कर दें कि कभी उनको पेट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है तो पी केयर उनको अच्छा कर सकता है। लेकिन उनके ब्लड प्रेशर एक दिन में 4 बार चेक करें। इसकी मशीनें भी आती हैं, अपने घर पर ला कर रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, लगाया और आपको पता रहता है कितना बीपी है। और चक्करों के लिए देखिए, अगर बीपी नहीं है तो ये एक्सरसाइज, ये 3 मिनट, और ऐसे ये 3 मिनट रोज़ाना करें। 3 मिनट हो जाना चाहिए, 3 3 मिनट, चाहे 6 बार में करें, 10 बार में करें, लेकिन 3 3 मिनट करें। अगर जो मैं समझ रहा हूँ, अगर वो रोग है तो 10 से 15 दिन में इनको आसानी हो जानी चाहिए। हो सकता है दवा की ज़रूरत भी ना पड़े। इन सब बातों पर अमल करें और फ़ायदा उठाएं। जी, 6 चीज़ों में पीपली डाल सकते हैं। हाँ, पीपली डाल सकते हैं, लेकिन पीपली 100 ग्राम में 10 ग्राम डालते हैं बस। तो 6 चीज़ों में आप सिर्फ 60 ग्राम डाल सकते हैं। ये पीपली का हिसाब है, क्योंकि काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी गर्म होती है। तो अगर इतना लेंगे तो आपको इजाज़त है कि आप उसमें पीपली मिला सकते जी, महेंद्र जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है सर आपका। हैं। हाँ जी गुप्ता जी, नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ जी। आपका सवाल। हाँ, मैंने आपसे दवाई मंगाई थी जी, जैतून का सिरका था और वो काला गोंद था। तो वो पूछना था कि इंसान से कैसे लेना है, क्या है। अच्छा, अभी शुरू नहीं किया है? हाँ जी, अभी शुरू नहीं नहीं किया? शुरू तो किया हुआ है जी, लेते हैं 2 टाइम लेते हैं सिरका जी, कब से ले रहे हैं और एक एक किस टाइम तक। किस रोग के लिए ले रहे हैं? ये एक तो पाचन क्रिया खराब है, हाजमा नहीं होता है। ठीक। हाँ, तो 2 2 चम्मच 2 बार खाने के बाद पानी में मिलाकर लेना बेहतर है। इससे पाचन क्रिया और एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल और दिल के लिए बहुत अच्छा है, और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखता है। अपनी दवाइयों के साथ इसे ले सकते हैं। और गौंदस्या आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध से लेना बेहतर है। 3 4 महीने इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हिमाचल से हैं सतीश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार अखिलेश साहब। जय हिंद सतीश जी, स्वागत है आपका। अखिलेश साहब, बात ऐसे है कि मेरा लड़का है 27 साल का, उसको ना हिचकी आती है 5 6 महीने के बाद, हिचकी शुरू होती है 3 3 4 4 दिन लगी रहती है। 2.5 साल का बच्चा? 27 साल। 27 साल का? सत्ताईस ठीक है। जी अच्छा, देखिए, एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद। वो मैं दफ्तर में गया तो मेरे एक माविन को हिचकी आ रही थी। मैंने कहा इतनी हिचकी आ रही है? कहने लगा मेरे तो 6 6 महीने तक हिचकी आती रहती है। अरे, मुझे तुझे मालूम नहीं वो गोंद मोरिंगा सफ़ेद, तो 1 ग्राम खा ले। और मुझे दूसरे दिन मिला तो कह रहा मुझे एक खुराक में फ़ायदा हो गया। हो सकता है आपके बच्चे को भी इसी तरह फ़ायदा मुमकिन हो। गोंद मोरिंगा सफ़ेद
1 ग्राम रोज़ाना पानी के साथ या दूध के साथ या नारियल पानी के साथ दीजिए। ये अच्छा मुजर्रब नुस्खा है, यानी मेरे अनुभव का नुस्खा है, लेकिन असली लेना गौन मोरिंगा सफ़ेद, आपका बच्चा अच्छा हो सकता है। राधा कृष्णा जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। ए, मैं राधा किशन बोल रहा जी। मेरे बेटे के मुंह में फोड़े है जी, काले बहुत, दाग वगैरह बहुत है जी, 17 साल का है। कुछ गुटके वगैरह खाते हैं क्या वो? हाँ जी। गुटका खाते हैं क्या आपके बेटे? नहीं कुछ नहीं खाते डॉक्टर साहब जी, पढ़ रहा है, प्लस टू में पढ़ रहा है। अच्छा, अंदर है मुंह के या बाहर? बाहर काले काले मुंह से, बहुत चेहरा खराब हो गया, कीले बहुत, दाग स्टक बहुत है। ठीक है, ठीक है। देखिए एक आसान इलाज है, अलसी और धनिया हल्का सा भून लें। अलसी भी आप जानते होंगे, धनिया भी, हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना लें, ज़्यादा ना भूनें। और एक आता है नमक जैतून, असली लें नमक जैतून, असली लेना ज़रूरी है, नकली भी मिलता है। बस एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, और इस पानी से ये अलसी और धनिया का जो पाउडर है 1 चम्मच खिलाएं, दिन में बस 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, आपके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है जी। हकीम साहब, आप एक चीज़ बताते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए, जब लोगों को भूख नहीं लगती है या फिर खाना उन्हें स्वादिष्ट नहीं लगता है, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करना आप बताते हैं। कुछ लोग क्या है इसको पीस के इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, कुछ लोग क्या है साबुत डाल देते हैं, और कुछ ये भी देखे जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही बस वो डालते हैं। एक तो हमें कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए खाने में, और क्या पिसा हुआ अगर हम इस्तेमाल करें तो वो भी उतना ही लाभ देता है जितना कि एक साबुत देता है? और देखिए ये 3-4 चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ महिलाओं से जी जी, कि ये कंजूसी से इस्तेमाल ना करें, एक खाने की जान है जी, पेट की और हाजमे की जान है। और अक्सर मैंने कहा है काफ़ी प्रोग्राम में कि अदरक इतनी सी यूज़ करते हैं कि महंगी आती है, लहसुन भी ज़रा सा, लेकिन ये महंगे नहीं हैं, आपकी सेहत के हिसाब से बहुत सस्ते हैं। इतनी अदरक, इतना लहसुन और इतना धनिया और ज़ीरा भी खूब सारा, इससे आप खाना बना के देखें कभी, वाकई ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि अगर आपने इनको ज़्यादा ज़्यादा डाला तो परिवार को आप खाना देंगे और वो खाना खाएंगे, और मैं भी अगर खाता हूँ ना खाना, अगर इतनी चीज़ों से बना हुआ हो ज़्यादा ज़्यादा, तो मैं खाना खा चुकता हूँ और ट्रे आगे सरकाता हूँ और ये लगता है कि फिर भूख लगी आई है। तो ये समझ लीजिए कितने कीमती चीज़ें हैं, इनमें कंजूसी मत कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। ग्रेटर नोएडा से हैं दिव्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। आज आप वाकई बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया तो सुंदर है, आप उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो भाई साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं परसों मेरी आपसे बात हुई थी, लेकिन कुछ बात मेरी अधूरी रह गई थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैंने जीरे का सिरका पूछा था, वो आपने बता दिया था कैसे लेना है। इससे पहले मैं गोंद सिया और गोंद मोरिंगा दोनों ले रही थी। तो गोंद सिया से तो डॉक्टर साहब मेरे को बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। मेरा 25 सालों का दर्द था, मतलब ये समझ लो कि 4 इससे कम हो गया, 1 हिस्सा रह गया बस थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आप कहें तो मैं गोंद सिया एक बार दोबारा ले लूं। ठीक है, और कोई सवाल? दूसरा, मेरी उल्टी तरफ वाली टांग है ना, जो उले से लेकर पैर में कभी कभी बहुत तेज दर्द उठता है, कभी कभी तो वो ऐसे दर्द उठता है कि अगर टांग को थोड़ा टाइट कर दो तो वो आराम मिलता है, ढीला छोड़ दो तो तेज दर्द होता है उसमें। और डॉक्टर, मेरे को थायराइड है जिस वजह से शरीर में गांठे भी हैं, तो उसका भी आप मेरे को प्लीज इलाज बताइए। थायराइड है और शरीर में गांठे हैं, तो जीरे का सिरका तो आपको लेना ही है, 1 चम्मच
धनिए के पाउडर के साथ लिया करें, तो ये थायराइड को आराम करते हुए और गांठों को फ़ायदा पहुंचाते हुए ये आपको काम करेगा। और अभी क्योंकि एक हिस्सा रह गया है आपके दर्द का, तो कौन सी आपको और लेना चाहिए कुछ दिन। और एक बात का ख्याल रखें, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला शौचालय नहीं है तो फौरन लगवा लें, और है और आप उस पर ज़रूरत पूरी नहीं करते तो उसी पर किया करें। हमारी आपकी उम्र के लोग उससे बचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम जैसे लोगों को होती है, तो ये ज़रूर करें। नहीं तो ये दर्द इतना हो जाता है, ये साइटिका की शुरुआत है, कमर में नस दब जाती है और वो नस खून सप्लाई वाली होती है, जब दबती है तो बड़ी तकलीफ देती है। तो अभी से आप एहतियात करें और झाड़ू पोंछा ना करें। ये जो पंजों के बल बैठ के जो काम किए जाते हैं ना, उकड़ू बैठ के जिसे कहते हैं, ये सब नहीं करने चाहिए, वज़न नहीं उठाना चाहिए। और उस दर्द के लिए भी ये गौन सिया ही काम करेगा, लेकिन इन दो तीन बातों पर मेरी अगर आप अमल करें तो आपको फायदा मुमकिन है। अगली कॉलर है हमारे साथ, ममता जी, स्वागत है आपका। जी मैम, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी नमस्कार मैम। जी मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ, बहुत दिन से लगा रही हूँ फोन, पहली बार लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बात कर लीजिए। स्वागत है आपका लता जी। जी नमस्कार सर, आप तो हजारों साल जी हैं सर, आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं। जी 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 सर, मुझे हकीम साहब मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है। और जी और खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, कुछ भी खा लें, इच्छा ही नहीं होती खाने के लिए। ठीक है ठीक है जी। और प्यास बहुत दिन हो गए, कम सालों हो गए, बरसों हो गए। आयु बता दीजिए अपनी। जी मेरी 50 से ऊपर है, 55 के लगभग। तो देखिए, प्यास लगने के लिए एक मामूली सी चीज़ बता रहा हूँ। ये जो पनवाड़ी पान बेचता है ना, ये सादा पान, ये उसमें कुछ लगाइए नहीं, कत्था चूना उना कुछ नहीं, बस आधा पान और सादा पान, सिर्फ पान और कुछ नहीं, चबा के खा लीजिए और पानी पी लीजिए, इससे आपको पूरे दिन प्यास लगेगी और आप जितना प्यास लगे उतना पानी पीजिए। और क्या सवाल? खाना खाने की इच्छा नहीं होती और वो डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, इसके लिए आप एक नुस्खा बना लीजिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना। देखिए बहुत मशहूर और कामयाब नुस्खा माना जाता है ये यूनानी का, और ये नुस्खा यूँ है कि सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, जीरा अजवाइन 100 ग्राम और धनिया मेथी 100 ग्राम, इसको पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, दिखने में बिल्कुल नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता है, इसकी पहचान होती है। तो एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला दें और इस पानी से ये जो 6 चीज़ों का पाउडर आपने बनाया है ये 1 चम्मच खाएँ और ये पानी पी लें। तो ये पूरे पेट के सिस्टम पर काम करता है, 10-12 रोगों पर ये बड़ा कामयाबी से काम करता है, घरेलू नुस्खा है। और नमक जैतून असली ने नकली भी मिल जाता है। ये एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, भूख ना लगना, इन रोगों में काम आता है। फिर लीवर हमारा सुस्त हो जाता है अक्सर, तो भूख नहीं लगती, तो लीवर को कहता है कि जिम्मेदारी से काम कर अपना और थोड़ा फास्ट हो जा। किडनी की बड़ी सफाई करता है और भूख लगाता है, वर्म दूर करता है, इन्फेक्शन दूर करता है, बवासीर दूर करता है, बहुत सारे रोग को फ़ायदा करता है, स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। अगली कॉलर हैं यूपी से, सुल्ताना जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। हकीम जी और सलजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम टीम का शुक्रिया। मैं बहुत टाइम से परेशान थी आपको कॉल करने के लिए, और बराबर कॉल कर रही थी, कोशिश कर रही थी,
और दुआएं मांग रही थी, लेकिन मेरी कॉल नहीं लग पा रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे धक्का एक तरफ को दे दिया जाता है, लेकिन मैं मायूस नहीं। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम है कि मैं बता नहीं सकती। मेरा बड़ा दुख हुआ दिल है, हादसों से भरी मेरी जिंदगी है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आपके नुस्खे देश कीमती नुस्खे है, अनमोल है, अपने आप में नायाब है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आपके नुस्खों की कितनी तारीफ करूँ। मैंने अपने लिए बोनसिया मंगवाया था, टाइम में काफी दिन से मेरे तकलीफ है, बैठ के नमाज पढ़ रही हूँ कुर्सी पे, कई महीने हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मुझे फायदा है। इसी तरह की मैंने प्रॉब्लम और लोगों को देखी तो मैंने अपने बोनसिया में से उन लोगों को भी दे दिया, उनको भी फायदा है माशाल्लाह जी। आपके कंपनी से मैंने कई बार गोंसिया मंगाया, चार पांच बार मैंने गोल मरिंगा मंगाया, जैतून का सिरका मंगाया, जामुन का गोंद मंगाया, और कितने नुस्खे ऐसे वो दवाएं हैं जो मैंने मंगवाई हैं, और सभी से फायदा हुआ है, सभी लोगों को हुआ है। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र दे, आपको सही सलामत रखे। आपकी गुफ्तगू, आपके अल्फाज बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। मैंने अपने फादर की जिंदगी से आपका प्रोग्राम देखना शुरू करा, आज उनको 5 साल हो जाएंगे एक्सपायर हुए, उन्होंने ही मुझे प्रोग्राम दिखाना शुरू किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, और मैं सब चीजें ले रही हूँ। आपसे डायरेक्ट बात करना चाह रही थी लेकिन मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, आज हुई है। और ये जो उसका लहसुन का जो जूस आपने बताया था, अदरक का जूस बताया था, मैंने कई बार उधर हेल्पलाइन पे फोन किया तो वहाँ अपने अपने हिसाब से जो बता सकता था उन्होंने बताया कि पानी डाल के उसका जूस निकाल लीजिए। मैंने निकाला, फिर मुझे पता चला कि नहीं, उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बहरहाल वो भी जिन जिन लोगों को मिलाकर दिया है सभी को फायदा हुआ है। बहुत दुआएं निकलती हैं मेरे दिल से आज के मुआशरे में, आप जैसे की बहुत जरूरत है। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, सेहत दे, लंबी उम्र दे सेहत के साथ। आप फोन काटिए नहीं, आप फोन काटिए नहीं, और हमारे 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 मीडिया कर्मी आपका नंबर लेंगे और फिर वो आपसे हो सकता है शैलजा बात करें, आपका इंटरव्यू लें, और अच्छा, ये बात अच्छा, बहुत दूर तक पहुंचानी है जी। और मेरी आपसे मिलने की बहुत तमन्ना है, बहुत ख्वाहिश है जरूर। प्लीज सुबह को जाहिर निजात में भी मैं कोशिश करती हूँ शबता बहन के साथ के एक बार मेरी गुफ्तगु हो जाए, लेकिन नंबर उसमें नहीं मिल पाता, बिजी आता रहता है, शायद वो मेरी नंबर जो है डीएनसी में पड़ा हुआ है। प्लीज़ मैं बात करूंगी, और मेरी आपसे मिलने की बहुत बड़ी तमन्ना है। अच्छा, मैंने अपने भांजे के लिए थायराइड उसको था तो थायराइड का नुस्खा मैंने खुद बनाकर दिया। शुरू में उसने बताया मुझे काफी फायदा हुआ, लेकिन बाद में वो ये बता रहा था कि मेरा थायराइड बहुत बढ़ गया, तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो तो नुस्खा बड़ा अच्छा है, ऐसे कैसे हो गया। तो ये कह रहा था मैं हकीम साहब से खुद जाके मिलूंगा जल्दी, सुफियान नाम है उसका, सुफियान लतीफ खान, और कह रहा था मैं जाके बात करूंगा, अपनी रिपोर्ट्स भी ले जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप तो कहाँ से हैं, यूपी में कहाँ से हैं? संभल से हूँ मैं, संभल। अच्छा, हमारे बहुत करीब है। जी जी, बहुत करीब हूँ। और मैं पता है आज भी सोच रही थी कि अब मेरे पास आखिरी रास्ता एक बचा है कि बस मैं लेटर लिखूंगी आपको, मैं क्या करूँ, मेरे पास उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सब चैनल वालों का, और जिन जिन लोगों ने मेरी आपसे बात कराने में हेल्प की है, अल्लाह उनको इसका अज्र दे, सबको सही सलामत रखे जी। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा पता नहीं क्या बात है, कोई काम नहीं बनता, काम में रुकावट नहीं पहुँचती मेरे। नहीं, हम आपको, मेरे लिए दुआ, सब लोग आपको दुआ में याद करेंगे। आपसे की दुआ सुन के तो हमें ये पता चला कि आपके अंदर दुआ मांगने का बड़ा कुछ तरीका है, अलग तरह की सब कुछ है, उसके घर एक नाम से मांगना नहीं है। आपकी दुआ में असर है, आपके अल्फाज में असर है, आप बहुत नेक हस्ती हैं। अल्लाह आप जैसी हस्तियाँ अगर औरों को भी बना दे तो मैं समझती हूँ दुख दर्द सबके लिए छाई। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरी जरूरत है, मैं सुबह को, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आज ना जाऊँ आपका प्रोग्राम देखूँ, लेकिन मजबूरी होती है, मुझे जाना पड़ता है।
लेकिन आती हूँ तो बिपी भी खोल लेती हूँ। मुझे आपके प्रोग्राम के अलावा कोई प्रोग्राम अच्छा ही नहीं लगता, मेरा देखने को दिल ही नहीं आता, बड़ा सुकून मिलता है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी तमाम बातों का तो जवाब शायद हमारा देना मुश्किल ही है, हम इस लायक ही नहीं हैं, आपके जज्बात की पूरी तरह कदर भी नहीं कर पाने के लायक है, लेकिन आप हैं कदरदान, और वही कदर और वही भरोसा आपको फ़ायदा पहुंचाता है। और हाँ, मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूंगा, और जो फ़ोन आपका नहीं मिल पाता हमसे, वो उसमें हमारा कुछ हिस्सा नहीं होता, बल्कि इस कदर फ़ोन आते हैं, उसमें फ़ोन मिल जाए तो हमारे हमारी बात हो पाती है, और ज़्यादा कोशिश करने वालों की कॉल मिल जाती है। लेकिन आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, और आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, और आपके सारे काम बनेंगे इंशाल्लाह। आप बहुत कामयाबी की ज़िंदगी दुनिया और आखिरत में भी ज़रूर गुजारेंगे, और मुलाकात का भी आपसे मेरा वादा इंशाल्लाह। आप बस अपना ख्याल रखा करिए, डिप्रेशन में मत जाइए, यही थोड़ी सी कोशिश जब कामयाब होने लगती है तो जो कुछ अल्लाह ने दिया है बस उस पर शुक्र करना शुरू कर दीजिए, और अपने रब से क्या मुश्किल है कुछ मांगना। अगर हम पंजगाना इबादतों के साथ तहज्जुद में उसके सामने गिड़गिड़ाएं तो कोई ऐसी बात ही नहीं जो वो माने नहीं, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। बहुत लंबी बात हुई आपसे, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।